जब से मनोज दे ने उनकी पार्सनाथ वाला हिल जो ब्लॉग था उस ब्लॉग में जो साउंड इफेक्ट यूज़ किया था, वो साउंड इफेक्ट जब भी मैं अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ तब तुम लोग कमेंट करते हो भाई तुम्हें कहाँ से मिला, प्लीज़ लिंक दे दो। मैंने तुम लोगों को बताया था ये लिंक देना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मनोज दे लीक करेंगे इस सॉन्ग के नाम तब मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो मनोज दे ने कल की Q&A पर उन्होंने बताया था उस सॉन्ग का नाम है माइक, ठीक है। इस सॉन्ग ये माइक नो कॉपीराइट वाला साउंड जो सॉन्ग होता है उसमें मिलेगा, लेकिन किसी को भी नहीं मिल रहा। मनोज दे ने कल बताया था लेकिन किसी को भी अभी तक वो सॉन्ग नहीं मिला। तो मैं आपको वो सॉन्ग दे देता हूँ, वो सॉन्ग आप सुन लीजिएगा या फिर अपने वीडियो में इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो सॉन्ग दे दूँगा, मतलब मैं जब वीडियो स्टार्ट करूँगा उसके बाद वो सॉन्ग चलेगा। आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके हो, जहाँ से भी हो, आप इसको जो भी करके हो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। ये कॉपीराइट फ्री होगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ एंड जो है कॉपीराइट सॉन्ग जो मनोज दे का पार्सनाथ वाला जो सॉन्ग है मैं आपको दे देता हूँ, आप यूज़ कर लेना, ठीक है। बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ। अगर कॉपीराइट पड़ता है तो तुम मनोज दे को बोलना या फिर मुझे बोलना, क्योंकि मैंने तुम्हें ये सॉन्ग प्रोवाइड किया, ठीक है। एंड अगर इस सॉन्ग का आपको पार्ट टू या फिर पार्ट थ्री चाहिए वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मैं पार्ट टू या फिर पार्ट थ्री दे दूँगा आपको। पार्ट टू बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत अच्छा सुरीला आवाज़ है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो चलिए सॉन्ग को सुन लेते हैं एंड आप इसको यूज़ कर लेंगे।